थाना चिलवाताल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की ट्रैक्टर में रोटावेटर बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान पवन कुमार निषाद पुत्र अर्जुन निषाद निवासी गुरुनगर थाना चिलवाताल और कुलदीप प्रजापति पुत्र रामधनी निवासी अवरही थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि चिलवाताल थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम को फर्टिलाइजर मेन गेट के सामने से दो शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा कहाँ बेचने ले जाते थे ये लोग। अब उसके बाद ये लोग जो इनकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से बिहार या कुशीनगर में ही ले जाके, चूँकि एकदम नया ट्रैक्टर है तो उसको वहाँ बेचते जा रहे हैं। कहाँ से चोरी किया था इन लोगों ने? ये गुरुनगर है, गुरुनगर मजनू चौकी में पड़ता है, वहाँ से रात में इन्होंने चोरी किया है और अपने एक साथी जो कुशीनगर का निवासी है उसको लेके उसके साथ ही उसी के कहने के अनुसार इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे ले जाके वहाँ छुपा के रखा था। इसके पहले क्या कारोबार करते थे? इसके पहले एक ड्राइवर था और ये दोनों फर्टिलाइजर में ही काम करते थे। अभी तक तो कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर चिलवाताल नए गए हैं, इनका पहला जो है बढ़िया गुड वर्क है। 22/23 की रात में 2 बजे एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था, मैं रोटोवेटर, उसके बारे में जो इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस ट्रैक्टर जो है बरामद किया है। साथ ही जो है 2 अभियुक्त इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। इस बात को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जो यहाँ चिलवाताल का निवासी और दूसरा जो है जनपद कुशीनगर का निवासी है। इसके पहले भी लोग चोरी का काम करते थे? नहीं, चोरी के काम कोई मुकदमा पंजीकृत होना प्रकाश में नहीं आया है। ये पहली दफा वाले हैं, इसके बारे में और छानबीन की जा रही है।